अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, तीन है। एक तो कौन सा है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा, ये भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है दोस्तों। दूसरा कौन सा है तो दूसरा मुकुंदरा हिल्स है। और तीसरा कौन सा है दोस्तों तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम बात करने वाले राष्ट्रीय उद्यानों को, तो हमारा जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा पढ़ेंगे हम दोस्तों तो रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपको याद होना चाहिए कि रणथंभौर की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए कब की गई थी, सन 1956 में की गई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1980 में, 1 नवंबर 1980 के अंदर दिया गया था। और दूसरी इसकी खास बात है दोस्तों कि विश्व बैंक के सहयोग से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो कब से कब तक चलाया गया था दोस्तों ये आपको याद रखना है, 1998 से लेकर 2004 तक चलाया गया था, 2004 तक चलाया गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और जो रणथंभौर बाघ परियोजना है दोस्तों तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। राजस्थान की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बाघ परियोजना, जबकि भारत की छोटे क्षेत्रफल की ये क्या है? बाघ परियोजना। और यहाँ पर एक परियोजना और लाई गई थी 28 जून 2008 को, देश में प्रथम बाघ विस्थापित यानी टाइगर ट्रांसफर की घटना घटित हुई थी। क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ से एक शेर था जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम था सुल्तान था, एक थी दोस्तों बबली। बबली और सुल्तान को स्थापित किया गया था किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर? सरिस्का के अंदर। किस में? सरिस्का के अंदर किया गया था। समझ में आ रही है दोस्तों? तो और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक महल सॉरी दुर्ग है जिसका नाम क्या है? रणथंभौर दुर्ग। और एक जोगी महल है दोस्तों, एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, एक कुत्ते की छतरी बनी हुई है दोस्तों। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी किस जिले में है? तो स्वाई माधोपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? स्वाई माधोपुर में। और किस उद्यान में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और इसके अंदर कुछ क्या है दोस्तों? तालाब है। क्या है? तालाब, जिसमें से एक तो कौन सा है? पद्म तालाब है, राजबाग तालाब है, एक गिलाई तालाब है, एक मलिक तालाब है और एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर तालाब है सॉरी, और एक है लोहापुर तालाब। ये छह इसके अंदर क्या है दोस्तों? जिले हैं। क्या है? जिले। कितने जिले हैं? छह जिले। तो ये भी आपको याद रखना होगा रणथंभौर दुर्ग को लेकर। और रणथंभौर दुर्ग की अगर बात करें तो इसे लैंड ऑफ टाइगर और राजस्थान में शेरों का घर कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है दोस्तों। तो मेन अगर बात करें तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यह कौन सा है दोस्तों? केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है दोस्तों। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। कहां पर है? भरतपुर में। अब बात करें केवलादेव घना पक्षी विहार उद्यान की दोस्तों, तो केवलादेव जो घना पक्षी है इसकी स्थापना कब करी गई थी तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कब की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 27 अगस्त 1981 को। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। किसे कहा जाता है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसे रामसर साइट में शामिल कब किया गया था? 1981 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1981 में किया गया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया दोस्तों? तो 1985 में किया। कब किया? 1985 में। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो किस NH पर स्थित है? NH, तो ये भी आपको याद रखना है, NH21 पर स्थित है। कितने पर स्थित है दोस्तों? NH21 पर स्थित है। और NH21 पर भी है। और किस त्रिकोण पर स्थित है? तो याद रखना स्वर्णिम त्रिकोण। कौन सा है दोस्तों? स्वर्णिम त्रिकोण।
कौन सा त्रिकोण है? स्वर्णिम त्रिकोण पर अवस्थित है। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि इसे यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया 1985 के अंदर। और क्योंकि इसकी खास बात है 27 जनवरी 2006 को क्या हुआ था दोस्तों, पक्षी वह नाम भूमि चेतना केंद्र केंद्र की यहाँ पर क्या की गई है, स्थापना की गई है। और एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है दोस्तों, ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली है, जो कहाँ पर है, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य केंद्र है दोस्तों। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य केंद्र अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों केवला देव की, ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है साइबेरियन सार्स के लिए, जो कि ये साइबेरियन सार्स की फोटो आपको दिखाई दे रही है। और साइबेरियन सार्स कब आते हैं दोस्तों, तो ओन के अंदर आते हैं, ओन यानी अक्टूबर नवंबर में, और एम ए करके वापिस चले जाते हैं, यानी मार्च अप्रैल में ये पुनः वापिस चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ से वापिस चले जाते हैं। और माना जाता है कि यहाँ पर एक लाल गर्दन वाला तोता पाया जाता है, और यहाँ पर और मगरमच्छ भी देखे जा सकते हैं दोस्तों, और ये राजस्थान के नम भूमि क्षेत्र भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हमारा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस किस जिले में है, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1955 के अंदर की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया। और इसमें महल कौन कौन से दोस्तों, अबलिमिनी महल है, रावण महल है, और रावठा महल भी है दोस्तों, कौन सा, रावठा महल, और भीम चौरी मंदिर या चौरी मंदिर है, और बाडोली का शिव मंदिर भी इसी में स्थित है। और इसी अभियान से क्या मिले हैं दोस्तों, आदि मानव के शैल चित्र मिले हैं, क्या मिले हैं, आदि मानव के शैल चित्र मिले। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तोता दिखाई दे रहा है, ये कौन सा तोता है दोस्तों, हीरामन यानी गागरोन, गागरोन तोता है दोस्तों, गागरोन तोते को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंड्रिया पेराकिटा कहा जाता है, क्या दोस्तों कहा जाता है, अलेक्जेंड्रिया पेराकिटा, ऐसे ही कहा जाता है टोहिया तोता, और इसे ही कहा जाता है हिंदुओं का अवकाश लोचन कहा जाता है दोस्तों। और इसी अभियान की बात करें तो ये किस NH पर स्थित है दोस्तों, तो NH-52 पर स्थित है, NH-52 पर अवस्थित है, किस NH पर स्थित है, NH-52 पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, धन्यवाद।